मैच खेलने, वो भी बीआर रैंक में। तो गाइस मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ मील में। तो गाइस कैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने नहीं शुरुआती में देखा कि बंदे कितने आ रहे हैं। ये भी आप लोग तब देखोगे पूरा वीडियो तो आप भी कहोगे कि इतना खतरनाक सीन हुआ मेरे साथ कि आप लोग भी देख के हैरान परेशान हो जाओगे। तो ये वीडियो पूरा फुल जरूर वॉच करना। तो गाइस मुझे उतरते ही मिल गया चार्ज बस्टर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर गया तो मुझे मिल गया यूएमपी, और तभी मुझे आवाज आ रहा था बंदे का। तो मैं थोड़ा आगे गया जिससे वो बंदा मतलब मेरे पीछे आ रहा था, तभी मैं देखा कि मैप में नो सिग्नल बन गया। नो सिग्नल बन गया मतलब कि पूरे ढेर सारे बंदे जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तभी मेरे सामने बंदा है, मैं उसे हेड मार के डाउन कर दिया, और चार्ज बस्टर से इसे पूरा मतलब कि खत्म। और यहाँ पे मैं पूरा अपना बाउंटी लूट रहा था, तभी मुझे मिल गया फार्मास एयर्स जो मुझे चलानी नहीं आती। हाथी है ये थोड़ा कम, इसलिए एग्जाम में ले लिया। उसमें साइलेंसर था, ये भी मैंने शुरुआती साइलेंसर नहीं लगाया, मुझे लगा लग गया, ये भी नहीं लगा। तो गाइस सामने बंदा था, मैंने उसे मार दिया 181 का एक हेड, वो भी बहुत डेंजर वाला। तो मैंने अपना किल कंफर्म किया, उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा बैठ के जो है साइलेंसर मैंने अपने गन में लगा दिया कि इससे बंदों को मेरी लोकेशन ना मालूम चले। और गाइस अभी आप लोग देखोगे क्या होने वाला है मेरे साथ, इतना डेंजरस सीन होगा अभी, आप लोग भी देख के हैरान परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर दो बंदे हैं, दो बंदे हैं, एक अभी गया, ये भी अभी जो है ऊपर जो है, अभी भी एक बंदा कोने में है, एक बंदा दूसरे कोने में है। तो गाइस मैं इंतजार कर रहा था ये दोनों बंदों के खुलने का। और गाइस अभी आप लोग देखो क्या होता है, मतलब कि मैं यहाँ पे इंतजार करता रहा, मैं सोचूँ अब आएंगे अकेला देख के, ये भी नहीं आए। मैं गलत सोच रहा था, ये भी वो बताओ मतलब क्या हो गया। आ गए तब आखिरी में एक बंदा आया एकदम आखिरी में, और तुरंत ही जो है मैं उसका ग्लूवर फोड़ के उसे मार दिया, एक हेड बॉडी के साथ मारा था, ये भी हेड मार दिया। तो वो डाउन डैमेज था, और ऊपर ही से बंदा मैं थोड़ा पीछे की तरफ निकल गया क्योंकि ऊपर से दे रहा था कवर फायर का बंदा, तो थोड़ा पीछे निकलना पड़ा मुझे। तो गाइस मैं जो है यहाँ से उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था, ये भी लग नहीं थी गोली। अब गाइस मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ, मतलब इतना डेंजरस चीज करने वाला, आप लोग भी हैरान हो जाओगे। दो बंदे मेरे साथ एक साथ रहते, मैं थोड़ा पीछे की तरफ निकल लिया इससे दोनों लोग एक साथ नहीं हो। सामने बंदी थी, मैंने उसे मार दिया एक हेड, और ये नीचे गिर गई, पता नहीं बची होगी कि नहीं, नहीं मालूम। ये भी सामने बंदा आया, मैंने उसे मार दिया और पूरा कंप्लीट भी कर दिया। ये भी बताओ अब गाइस मेरे साथ क्या हो गया, मेरे पास जो है यूएमपी में एक एमओ भी नहीं, बस जो है 5 एमओ है। और मेरे साथ बहुत मतलब सामने बंदी थी, उसके पास एमओ था, मैंने मारा खत्म हो गया। और एग्जामेट था मेरे पास, मैंने उसे मारा, एग्जामेट से मर गई, थोड़ी डैमेज थी वो, शायद उसके पास मेडिकिट नहीं होगा, और मेडिकिट नहीं था उसके पास, मेरे पास मेडिकिट था, जो मार रहा हूँ वो मेरा मेडिकिट है। तो गाइस उसके पास नहीं था, तो मैं जो है इधर उधर भटकते भटकते लूट कर रहा था, पहले इसका लूट किया, पहले फिर उसके उसके बंदे का लूट किया, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे भटकते भटकते मुझे हो गया बहुत टाइम, तो मुझे बंदे नहीं मिल रहे थे, तो मैं आगे बढ़ा दिया। सामने मैंने देखा कि ग्लू वॉल लगी है, आप लोग समझ लो गाइस ग्लू वॉल लगी है, तो भसड़ हुई होगी। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ क्योंकि मैं एक रसर हूँ, और मैं रसर किसी डरता नहीं है भाई, क्योंकि अब बस मैं रस करके मारने वाला। मैं पहले कंफर्म कर रहा था कितने बंदे हैं, सामने मुझे एक बंदा दिखा, ये भी मैं सोचा और दिखेंगे, ये भी नहीं दिखे, बस एक से ही खत्म हो गए। मतलब कि चार दो दो लड़ रही थी, उसी में जो है एक बंदा बचा, मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मतलब कि पूरे मैच का जो है ग्लूवल होते हैं ना, पूरे मैच का ग्लूवल जो है खुद लेकर बैठा हुआ था। और भाई मैं कह रहा हूँ ये क्या है यार, इतना ग्लूवल ये लिया हुआ है, मैं मतलब कि देख के हैरान हो गया। तो मेरे पास मतलब कितने ग्लूवल हो गए थे, मेरे पास टोटल ग्लूवल जो है 27 ग्लूवल हो गए थे मेरे पास। तो गाइस मैं आगे बढ़ रहा था एकदम स्पीड में, सोच रहा था कि आगे जाके बंदे मिलेंगे, तभी मुझे आया इस कार का फटका, मैंने तुरंत ग्लूवल लगाया। ग्लूवल कम्युनिटी यहाँ पे गन ना आके ये क्या कहते हैं उसे, तलवार आ गई। और गाइस यहाँ पे सामने वुकोंग बन गया था, तो वो मैंने उसे मारा, बहुत गंदा डैमेज दिया, ये भी वो मैंने उसे कंप्लीट कर दिया, सामने ग्लूवल लगा दिया किससे बंदा नहीं मुझे मार सके। और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अभी तक नहीं देख रहे हो
तो देखना शुरू कर लो, क्योंकि गाइस ऐसी वीडियो मैं हमेशा जरूर लेके आता हूँ और डेंजरस वीडियो भी लाता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और भूलना मत लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं यहीं से मैं मतलब कि आगे जा रहा था, बस थोड़ा सा आगे ही जा रहा था, मैं आगे चलता गया चलता गया चलता गया। अभी रुको गाइस, अभी आगे चलने दो और आगे चलने दो, फिर उसके बाद मतलब कि मैं आगे चलने गया और तभी मैं बगल में देखा ये मशीन और सामने मुझे बंदा दिखा। बहुत गंदा डैमेज दिया मुझे भी और मैंने उसे दिया, दोनों में ग्लूवर लगा दी। बगल में जो है आ गया एयर ड्रॉप, अब मैं गया तुरंत एयर ड्रॉप लूटने में कि इससे मुझे मिल जाए एयर एमओ, क्योंकि मेरे पास एयर एमओ नहीं था ना, उस बंदे से मिला ना किसी बंदे से एयर एमओ मिला था। तो एयर एमओ मुझे मिल गया, और तभी बगल से कोई मॉन्स्टर ट्रक जो है मेरे बगल से जो है लेके जा रहा था। तो मैं भाई उसे नहीं छेड़ा, क्योंकि पता क्या चले कि पीछे से आके निकल ले कोई मुझे निकाल ले। और गाइस मैं उसे जाने दिया, मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो तभी मैंने देखा जो है हॉट एयर बैलून जो होती है उसने लूट छोड़ी है। तो मैं लूट जाके लिया, उसके पास भी ग्लूअल थी, मेरे पास स्पेस नहीं था जो मैं ग्लूअल ले सकूँ। ये भी मेरे पास ग्लूअल टोटल 30 ग्लूअल थी मेरे पास। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा मंडरा रहा था इधर उधर, ये भी सामने से नंबर गिन नहीं गए मेरे सामने से। मैं इधर उधर देख रहा था कि सामने बंदे तो नहीं है, क्योंकि आप लोग ज़रा अलाइव है नज़र रखो, 5 अलाइव है। और मैं इधर पीछे से देख रहा था किसी बंदा आके पीछे से ना मार दे। तभी मैं आगे जाके देखता हूँ कि मुझे आ रही है VSS की आवाज़ आ रही है, मुझे VSS की आवाज़ आ रही है। मैं जो है थोड़ा आगे जाके देखा आ कहाँ से रही है, तभी मैं देखा कि दो बंदे एक बंदे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो एक बंदे ने तो मार दिया, मतलब दो बंदों ने एक बंदे को मारा। अब मैं थोड़ा दो बंदों को देख के थोड़ा मैं ऊपर ऊंचाई में जाता एडवांटेज से लेने। तो मैं गाइस मैं मतलब कि ऊपर गया, तभी मुझे नज़र आया एक बंदा, वो देखो साथ नहीं गाइस है बंदा। तो मैं थोड़ा यहाँ से मैं उसे डैमेज दिया और वो डाउन भी हो गया। तो मैं थोड़ा बैठे रहा कि पहले मैं ये बंदा उसका दूसरा आ जाए, ये भी मैं उसका किल जो है कंफर्म कर लिया। फिर सामने से दूसरा मैं देखा दूसरा बंदा आ रहा है उसका, मैं थोड़ा डैमेज दिया, ये भी लेट हो गया, नहीं डैमेज दे पाया। तभी जो है मैंने फेंक दिया एक ग्रेनेड, और मतलब कि 17 का डैमेज मुझे दिया, मतलब वो बंदा कौन सा वेस्ट पहना था, 17 का डैमेज आया। इस बार भी मैं लेट हो गया मारने में उसे। तभी मेरे दिमाग में आया, पहले मैं एक धुआं वाला बम फेंक दिया, फिर उसका तो जो है ये फ्रीज वाला जो बम है मैंने उसे फेंक दिया किसके उसका करेक्टर जम जाए। और गाइस वो वहीं पर कपकाने लगे। ये भी गाइस मैं देख क्या देखा, वो जो है अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए सोच रहा है, खुराफाटी कर रहा है, और वहीं पर वो कर भी दिया। मैंने ग्लूअल फोड़ा, ये भी बहुत थोड़ा 15 का डैमेज हुआ। तो मैं थोड़ा निकल लिया पीछे की तरफ, क्योंकि मेरे पास था बस एक मेडिकिट था। तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ गया, यहाँ पे मेरा ग्लूअल ही नहीं लग रहा था, आखिर में जाके लगा मेरा ग्लूअल। तो गाइस मैं थोड़ा आगे की तरफ गया, ये भी तभी मैं पीछे मुड़ा, देखा कि बंदा है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे उसे कंप्लीट कर लिया। तभी मैंने देखा एक और बंदा, मतलब उसने बंदे को तो रिवाइव कर ही लिया। तो मैं सोचा कहाँ से मिलेगा बंदा, तभी मैं ऊपर देखा और आसमानी में दे दिया 149 का एक खतरनाक सा हेड। अब मैं सोचने लगा अब वो बंदा तो भाई कहीं से भी ऊपर नीचे पीछे दाएं बाएं सब जगह से मार सकता है। अब मैं थोड़ा एडवांटेज के लिए फिर ऊंचाई में गया, और तभी बताऊँ मैं इधर उधर मंडरा रहा हूँ, अभी मंडरा रहा था, तभी मैंने देखा सामने एक बंदा है जो बंदा अभी रिवाइव हुआ है। तो गाइस वो जो बंदा है वो निकल के जा रहा था, मैंने उसे थोड़ा सा डैमेज दे दिया, 3 गोली बस उसे लगी। फिर उसके बाद जो है मैंने एक जो है जो मतलब कि एक बम नहीं होता है गोली वाला, मैंने वो फेंक दिया। उस बम का याद नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो बम का नाम। मैंने वो फेंक दिया सामने से बंदा, तभी मेरा हो गया बुया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।